उमरिया जिले के नौरोजाबाद स्थित जोहिला भवन के पीछे मैगजीन के समीप अज्ञात कारणों से लगी आग, वहां मौजूद कर्मचारी बाल बाल बचे। गौरतलब है कि जब इस मामले की सूचना वहां मौजूद कर्मचारियों को लगी तो कर्मचारियों ने तत्काल नगर परिषद में मौजूद फायर ब्रिगेड को इतला किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और आग को काबू किया गया और मैगजीन में कार्यरत कर्मचारियों ने इस मामले की सूचना अपने रेस्क्यू ऑफिसर परशुराम आचार्य को दी। वहीं मौके में सिक्योरिटी इंचार्ज सहित रेस्क्यू ऑफिसर मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस मामले की खबर हमारे संवाददाता को लगी तो हमारे संवाददाता के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से कवरेज करने का काम किया और वहां मौजूद रेस्क्यू ऑफिसर से जब इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो रेस्क्यू ऑफिसर परशुराम आचार्य ने मीडिया को ये कहते हुए कहा कि मुझे बाइट देने का अधिकार नहीं है और हमारे संवाददाता के सवालों से बचते हुए नजर आए। इस घटना में मुख्य बातें देखने को मिली, एसईसीएल में मौजूद फायर ब्रिगेड नहीं रही। इस आग को काबू करने के लिए नगर परिषद नौरोजाबाद के फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया। उमरिया से हुकुम सिंह राजपूत, सीआईडी न्यूज, मध्य प्रदेश। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। इंचार्ज है ये, यहाँ मैगजीन के महज 50 मीटर के अंतराल में जो ईंटा भट्टा लगाया जा रहा है, तो इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्या? इनके लिए कार्रवाई के बारे में कई बार मैं अपने कंपनी में मौखिक रूप से सूचना दे चुका हूं कि ये भट्टा लगाते हैं, इतनी दूर पे कभी भी आग लग सकती है। अगर कंपनी द्वारा जो सिक्योरिटी गार्डों को बोला जाता है वो आगे देख जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ। चलिए ठीक।